बहुत बहुत धन्यवाद। तारीख है 4 अक्टूबर 2023, समय हो गया है 10:18 AM। देखिए मैं कुछ एक बात है ना, बहुत साफ सीधे अक्षरों में समझा देता हूँ। मिस्टर जेलेंस्की, ये वीडियो आपके लिए है, वोल्दिमीर जेलेंस्की। वोल्दिमीर जेलेंस्की ने जब पहली बार कीव को देखा, कीव मतलब अपने शहर को देखा एक यूक्रेन में, तो उनको भरोसा नहीं हुआ कि हुआ क्या है यहाँ पे, कि मतलब एकदम ही ख़त्म हो गया यहाँ पे सब। तो तब से लेके जो है वोल्दिमीर जेलेंस्की बहुत परेशान रहे। तो उनको ये समझ नहीं आ रहा था हुआ क्या है यूक्रेन में। जनाब मैं आपको बता देता हूँ, मुझे आपने यूक्रेन का एनजी का भी रैंक दिया है। यूक्रेन में कीव पे जो है ना व्लादिमीर पुतिन रशियन प्रेसिडेंट ने वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर दिया जी, केमिकल वेपन का, बायोकेमिकल वेपन का इस्तेमाल हुआ, जिसके कारण कीव की और आसपास के इलाके की 100% जनता मारी गई। ये काम व्लादिमीर पुतिन ने किया। जी हाँ, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, मस्टर्ड गैस। मस्टर्ड गैस भी वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन ही होती है, बायोकेमिकल वेपन है। और उसके बाद वहाँ पे बहुत भयंकर कत्लेआम हुआ। जब तक आप पहुँचते, जब तक आपकी आर्मी वहाँ पहुँचती, तब तक वहाँ पे बहुत कुछ हो चुका था। और उसके एक वीडियो भी है मेरे पास, हालांकि आपने बाद में जो कुछ देखा वो बहुत बात की बात है। ठीक इसी प्रकार कराची में पाकिस्तान पूरी तरह से भारत पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और पाकिस्तान बॉर्डर से मोर्टार के जरिए मस्टर्ड गैस का हमला करने की पूरी तैयारी करके बैठा था। और ये करगिल भी जो है मस्टर्ड गैस के हमले के लिए तैयार कर रहे थे ये लोग। और खुद मरियम नवाज शरीफ जो है क्या कहते हैं इस ऑर्डर पे साइन करके पाकिस्तान से भाग गई थी। इस्लामिक वर्ल्ड ने इस बार पूरे विश्व में युद्ध के लिए वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करने की सोची। ईरान में तेहरान, पाकिस्तान में कराची, अफगानिस्तान में जो इसका बॉर्डर एरिया है पूरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ था। और इसीलिए पाकिस्तान में जो अगला प्राइम मिनिस्टर आया नवाज शरीफ के बाद वो और कोई नहीं शहबाज शरीफ के बाद जो आया वो कक्कर आया। कक्कर जो है ये उदय सद्दाम हुसैन है। जी हाँ, इराक ने कुवैत पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करना शुरू किया था, जिसकी वजह से जो है वॉर छिड़ी थी। कल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका 2 दिन के लिए सेलिब्रेशन लीप पे है, 2 दिन के लिए। वो इस खुशी में, क्योंकि तेहरान जहाँ पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन था उसको मेरी आर्मी हितेश रे वन ब्लैक आर्मी ने पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है, क्योंकि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का कोई जवाब है नहीं। और खुद इसकी बात की खुशी मनाते हुए जो पाकिस्तानीज हैं उन्होंने भी 1 दिन के लिए पाकिस्तान में छुट्टी का ऐलान किया है। कराची के अंदर हमले की बात पर उन्होंने ये कहा कि देखो सर, वहाँ पे जो भी लोग थे वो ईरानियंस थे, अफगानिस्तान के लोग थे, और वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के पक्ष में तो हम भी नहीं थे, हम भी पाकिस्तानी हैं, वो लोग कौन है हम नहीं जानते, मरियम नवाज कौन है हम नहीं जानते, ठीक है। पर हाँ, जो कुछ भी ईरान के साथ किया गया है, जिस तरह का जवाब दिया है उससे हमारे को बहुत खुशी है। और ईरान में तेहरान पूरी तरह से ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। तेहरान पे पर आवर 2 लाख टन, जी हाँ, तेहरान पे पर आवर 2 लाख टन क्लस्टर बम और Mark 84 गिराए गए। यही हाल जो है क्या कहते हैं हमने कराची के साथ किया। अगर इस्लामाबाद
के समझ नहीं आ रहा है, कक्कर के समझ नहीं आ रहा है, तो हम बहुत जल्दी जो है इस्लामाबाद का भी यही हाल कर देंगे। पूरे विश्व में वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से लड़ने के लिए मेरे पास स्पेशल प्राइवेट आर्मी है जिसका नाम है हितेश रे वन ब्लैक आर्मी, और हम इस तरह की वॉर लड़ने में कैपेबल हैं। कश्मीर के अंदर भी पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान और कई ऐसे देश थे जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कह रहे कि इस बार की जो वॉर है ना वो न्यूक्लियर वॉर नहीं है, ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की है, बायोकेमिकल वेपन की वॉर है। ठीक है, आपको शायद पता नहीं है हम लोग क्या कर सकते हैं। मरियम नवाज शरीफ खुद वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन और मस्टर्ड गैस बनाने की ट्रेनिंग ले चुकी है। राबी पीरजदा भी, ऐसी कई महिलाएं हैं जो पाकिस्तान से भारत आई और यहाँ इसी सिलसिले में जो है क्या कहते हैं काम कर रही थी, और भारत में दिल्ली पे चारों तरफ से मोर्टार बम से मस्टर्ड गैस के हमले की तैयारी थी, जिसको कि बहुत पहले ही हमने हटा दिया था। अब कुछ एक लोग जो यहाँ बचे हुए हैं उनकी धरपकड़ चल रही है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को फिर से इंसर्जेंसी में धकेलने के आदेश हो गए हैं क्योंकि इन्होंने बगावत करी हमारे खिलाफ, और इंडियन एयरफोर्स में अभिनंदन पे। देखिए अभिनंदन जी, ऐसा है आप इंसर्जेंट हैं, और क्योंकि IAF का मतलब ईरानियन एयरफोर्स नहीं है या इसराइल एयरफोर्स नहीं है, ये इंडियन एयरफोर्स है हमेशा से। इसमें जो है IAF का मतलब इंडियन एयरफोर्स रहा है, पूरे विश्व में कोई और नहीं लिख सकता है। आप अपनी टीम के साथ काम कीजिए, मत कीजिए हमें मतलब नहीं है, पर आपका और इंडियन एयरफोर्स का, हितेश रे वन एयरफोर्स या हितेश रे वन ब्लैक आर्मी या मेरी किसी भी आर्मी या मिलिट्री असेट से आपको कोई लेना देना है नहीं। भारत के मामले में अगर कोई मदद की ज़रूरत होगी तो हम ज़रूर करेंगे आपकी, ठीक है, पर मेरी वॉर मेरी है। आप अपने JCO रैंक को जो है ना, जो इंडियन आर्मी वाले कहते हैं, उसे अपनी जेब में बत्ती बना के रखो, क्योंकि हम काम बहुत तेज़ी से करते हैं। कराची के अंदर भी जो अभी कल BSF की जो एक टुकड़ी पहुंची है 2,500 लोगों की, हम उनको बार बार चेतावनी जारी कर रहे हैं कि सर देखिए ऐसा है, कराची पूरा का पूरा वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से भरा हुआ है, वहाँ पे जो है मस्टर्ड गैस इन्होंने खुद खोल दिया है, आप अंदर मत घुसिए। मस्टर्ड गैस का असर इतना ख़तरनाक होता है कि आपको पहले दिखना बंद होता है, उसके बाद शरीर पैरालाइज हो जाता है बहुत बुरी तरीके से, आप ज़िंदगी भर अंधे बन के रहेंगे। इसलिए आपके पास पूरा केमिकल एंटी केमिकल मास्क होना जरूर चाहिए, आपके पास, आपके पास जो है क्या कहते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर होने चाहिए, तभी आप वॉर जोन में घुसेंगे। वॉर जोन का मतलब ये नहीं है कि फिल्म में दिखा दिया और ऐसे ऐसे यूं यूं करके पहुंच गए, ठीक है, शुरू से ही जो वॉर लड़ी जाती रही है आपको मालूम नहीं है कि आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर को होना बहुत ज़रूरी है, वो भी बुलेट प्रूफ, ठीक है। आपके पास अगर गैजेट्स नहीं है तो आप आगे मत आइए। बाघा बॉर्डर पे भी दूसरी साइड से भी, जी हाँ, मस्टर्ड गैस के हमले की पूरी तैयारी है। मैं सभी इंडियन पोस्ट को, इंडियन आर्मी की पोस्ट को मैं आगाह करता हूँ कि आप लोग अपने पास, जी हाँ, गैस मास्क मंगा के रखें, ठीक है। हालांकि दिल्ली और दूसरे बड़े शहरों से हमने लगभग थ्रेट ख़त्म कर दी है, छुटपुट जो है वो भी कर देंगे। भारत के अंदर इबिक्स कैश पे पूरी निगरानी बरती जा रही है, ठीक है। अल सलीम ही वो व्यक्ति था जो भारत के अंदर, जी हाँ, मस्टर्ड गैस के हमले को जो है क्या कहते हैं कमांड करने वाला था, और यही जो है क्या कहते हैं उसे देखता, अल सलीम और हक्कानी जो है क्या कहते हैं वो भी इसी में शामिल है। तो ये सारी बात जो है मैंने इंडियन आर्मी को समझाई थी, पर अगर इंडियन आर्मी को नहीं समझ में आता तो ना समझे। देखिए एयरफोर्स और पायलट्स की हमारे पास कमी है नहीं। कल जिस सौदे की बात हुई है, हमने बार बार आपको कहा है कि सर पेमेंट तो क्या कहते हैं आपको जहाँ करनी है वहीं करोगे आप, पर अगर इंडियन एयरफोर्स में अगर अभिनंदन को ये लगता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा पायलट है तो भाई जा करके तो अपने जहाज खरीद ले, हमारे पास दोबारा मत आइयो। समझ में आ गई ना, हमें तेरे नाम से तेरे काम से कोई लेना देना है नहीं, हम अपना काम बहुत तेज़ी से कर रहे हैं, और तेरे ऐसे बेवकूफ़ हमारे को ज़रूरत नहीं है जो क्या कहते हैं मेरे पे ही टेस्टर लगा रहे हैं। इसीलिए मैंने अपनी हडसन स्क्वाडन जो है उसको क्या कहते हैं हितेश रे वन एयरफोर्स को टेक ओवर करने के लिए कह दिया है, और उसमें काम करने वाले सभी लोगों का जो है रूट ट्रांसफ़र करने का ऑर्डर कर दिए गए हैं, चाहे वो इंसा बशीर हो चाहे कोई भी हो। एक गाना बन जाने से जो ये लड़कियाँ पागल खाने पागलों की तरह घूम रही है ना, इंसा बशीर वगैरह, कि ये गाना इतने का हो गया उतने का हो गया, तो मैडम जी वो सब कुछ मेरी मेहनत है आपकी नहीं है, ठीक है, वरना तो आप व्हील चेयर पर बैठ के जो है ना इंटरव्यू दे रही थी। तो इसलिए जो है इन सबको हटाने का आदेश कर दिए गए हैं, जरा सी भी इंसर्जेंसी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये वॉर जोन चल रहा है इस समय, ठीक है जी।
भारत के अंदर भी जो है क्या कहते हैं, मैं खुद जी हाँ 5 दिन का हॉलीडे क्या कहते हैं लीव अनाउंस करता हूँ। 5 दिन का सेलिब्रेशन हॉलीडे लीव है, एंजॉय कीजिए। विश्व के कई देश ख़त्म कर दिए गए हैं, ठीक है। यूक्रेन के अंदर भी 3 दिन का जी हाँ सेलिब्रेशन हॉलीडे लीव है, आप लोग ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्लादिमीर पुतिन ने कीव पे वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कीव की 100% जनता मारी गई, जो कि आपको आजकल न्यूज़ में जो शहर दिख रहा है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बुरी तरीके से इस्तेमाल हुआ था। इसका जवाब देते हुए हितेश रे वन ब्लैक आर्मी ने मॉस्को क्रेमलिन को धरती पर से ख़त्म कर दिया है, पूरी तरह ख़त्म कर दिया, क्योंकि पूरी तरह से ये WMD बना के बैठे हुए थे। मॉस्को के ऊपर जो है हमने 90 करोड़ टन क्लस्टर बम और Mark 84 गिराए हैं। हम लोग जी बायोकेमिकल वेपन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। इसलिए जो है क्या कहते हैं, रूस की जनता को मैं पहले आगाह कर दे रहा हूँ, आप लोग जो भी हैं जैसे भी हैं, रूस पूरे विश्व में पहला ऐसा देश है ना जिसके पास राष्ट्रपति भवन है ना प्रधानमंत्री कार्यालय है, ठीक है जी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी का लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया है, क्योंकि मीनारे पाकिस्तान पे एक मीटिंग के दौरान नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इमरान खान और दूसरे ईरानियंस लीडर ने भारत पे बाघा बॉर्डर से जी हाँ मस्टर्ड गैस के हमले की शुरुआत का प्लान बनाया था, और खुद मोदी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व था। हमें कोई मतलब नहीं है वो कौन है और कहाँ है, उसका लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। हितेश रेवन ब्लैक आर्मी जी हाँ इन सभी लोगों को पकड़ने के लिए वचनबद्ध है, और हम लोग वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करने वाले किसी व्यक्ति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर पाकिस्तान के कुछ शहरों में ऐसा है और आपको शक होता है कि वहाँ पे WMD है, कुछ ऐसे सिलेंडर्स होते हैं जो देखने में क्या कहते हैं बहुत अलग दिखते हैं, उनके ऊपर कुछ निशान भी बने होते हैं, साफ लिखा हुआ भी होता है, आप उनको चेक कीजिए, पता कीजिए। आप उनको, आपको छेड़ना नहीं है, आप बिना देर करे जी हाँ हितेश एवन ब्लैक आर्मी को आप इन्फॉर्म कीजिए, या किसी भी पुलिस को कर सकते हैं, वो डायरेक्ट हमें इन्फॉर्म करेंगे, हम लोग आके उसको हटाएंगे। अगर आपको ज़रा सा भी शक होता है कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वेपन्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ, मच्छर मारने वाला बेगोन स्प्रे या हिट, ठीक है, या रेड जैसा स्प्रे आता है ना, वो अगर आपको आपके मुंह पे करने लग जाए, या मच्छर मारने वाली गाड़ी का धुआं करने लग जाए ज़्यादा, तो आप ऐसे लोगों को बिना देर करे से पकड़िए, क्योंकि ये लोग इन गाड़ियों में मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली को चेतावनी जारी की जा रही है, मच्छर मारने के लिए धुआं करने वाली गाड़ी प्रतिबंधित है सर, बैन है ये। जी हाँ, लगातार 3-4 बार ये गाड़ियाँ घुमाई जा रही हैं, और इसमें अचानक ये मस्टर्ड गैस डाल के पूरा शहर सुला देंगे। इनको बार बार, इन सारी गाड़ियों को MCD और NDMC में जब्त करने का आदेश है। धुआं करने वाली सारी मशीनें जब्त करने का आदेश जारी कर दिया गया। भैया, अगर आप में से कोई भी इस प्रकार की गाड़ी का इस्तेमाल करता है रोडों पे, शहरों में, मोहल्ले में, तो आपके खिलाफ भयंकर कार्रवाई हो जाएगी। हितेश रेवन ब्लैक आर्मी को आदेश दिया जाता है कि आप किसी भी शहर में इस प्रकार से धुआं करने वाली सारी गाड़ियों को जब्त करें, और इसकी पूरी टीम की जाँच करें। ये टीम और कहीं से नहीं, पाकिस्तान दिल्ली के अंदर, मैं बता रहा हूँ ना आपको, पाकिस्तान म्यूनसिपल कॉरपोरेशन वार्ड नंबर 9, जिसमें मरियम नवाज शरीफ नौकरी करती थी, वहीं के लोग। बहुत आसान होता है कि MCD के बहाने ये लोग क्या कहते हैं, धुआं करते हुए मस्टर्ड गैस का चलते बनते हैं, ठीक है जी। और कोई बड़ी बात नहीं होती है, बहुत बुरी तरीके से जो है ये गैस फैलती है। इस प्रकार से किसी भी तरह से जी हाँ क्लीनिंग या सैनिटेशन फैसिलिटी में इस्तेमाल करना बैन है। बहुत तेज़ गंध फिलहाल के लिए, जब तक जाँच चल रही है, बहुत तेज़ गंध, खुशबू, धुआं फैलाना, बदबू फैलाना प्रतिबंधित है। अगर यदि आप ऐसा करते हुए पाए गए तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम है हितेश मंडल, और मैं हूँ मिलिट्री जनरल हितेश रेवन ब्लैक आर्मी।